ये मौजूद है स्टूडियो में अचल बाथम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आप ऑथर हैं, साथ ही मेमोरी एंड मोटिवेशनल कार्यक्रम में स्टूडियो धन्यवाद। में दूरदर्शन में। साथ ही दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में, साथ ही मुद्दे की बात में। और एक बार फिर हम आप सभी को हमारे टेलीफोन नंबर्स बताएंगे, नोट करें। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 07552666049। टोल फ्री नंबर भी नोट करें 1800233 0040। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल का। अच्छा जी, जैसे कि आज के कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्तमान समय में बढ़ता तनाव, यानी कि आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से तनाव पे चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये जी क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे संक्षिप्त में कि आप तनाव को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तनाव, देखिए शब्द है तनाव, जो कि तन से निकला है, लेकिन स्टार्ट होता है हमारे दिमाग से, हमारे जी मस्तिष्क से। मस्तिष्क और मन से जुड़ी हुई ऐसी कोई समस्या है जो तन को तो खराब करती करती है, मस्तिष्क को भी खराब करती है और मन को भी खराब करती है। और इसका रिएक्शन ऐसा होता है कि हम नकारात्मक तरफ ही तरफ इतनी तेजी से जाते हैं, इतनी तेजी से जाते हैं कि हमारा जो शरीर है, शरीर भी गिरता जाता है, हमारे लिए हुए डिसीजन भी फेल होते जाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते रहते हैं। तनाव हमेशा किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, जब वो दो लोगों के बीच में आपसी संबंध शुरू करता है। तनाव के लिए एक विषय का होना जरूरी है, जब तक कोई विषय नहीं है तनाव का कोई औचित्य नहीं है। और विषय कहाँ से शुरू होता है? अगर हम विषय की बात करते हैं, विषय शुरू होता है एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जब वो चीजों को समझने लायक बनता है, समझता है, तब उसके सामने कोई ना कोई चुनौतियां आती है। हम अक्सर अक्सर सुन सकते हैं डॉक्टर के पास, हमने देखा है 90% डॉक्टर के पास जो भी मरीज जाते हैं उनका हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है तनाव से संबंधित। किसी को तनाव है पैसे से संबंधित, किसी को समाव तनाव है शिक्षा से संबंधित, किसी को तनाव है घर से संबंधित, किसी को तनाव है कपड़े से संबंधित, किसी को तनाव है मैं फेल हो गया, किसी को तनाव है मुझे कोई समझता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई और छोर ही नहीं है, अताल से कोई पाताल छोड़ तक नहीं तरह है। तरह के विषय हैं जिसके लिए आप तनाव कर सकते हैं, जी जिसके लिए आप टेंशन ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, जी आपने बताया। लेकिन क्या यही कारण है, पैसा, घर, फैमिली और स्वास्थ्य, यही कारण हो सकते हैं तनाव के, या और कोई भी कारण होते हैं जो मुख्य रूप नहीं, से मैंने आपको ये भागीदार कारण जो होते बताए हैं? हैं ये वो कारण हैं जिसको लोग समझते हैं कि यही कारण तनाव बिल्कुल के हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि पैसा, जैसे कि कपड़ा, जैसे कि घर, जैसे कि शिक्षा। लेकिन हम ये देखें क्या ये सारी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं? नहीं रहती। लेकिन तनाव का मेन कारण वो है जो चीज हमारे साथ हमेशा रहती है। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इसी के साथ महेंद्र पटेल जी दमोह से। आइए देखते हैं क्या कुछ सवाल है महेंद्र जी का। जी नमस्कार महेंद्र जी, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में, आप अपना सवाल हाँ पूछ सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, नमस्कार। रिमाइंड पटेल दमोह से। हमारा जी पटेल साहब, श्रीमान जी को भी नमस्कार। जी पटेल साहब नमस्ते। वर्तमान युग में जो तनाव का दौर चल रहा है, इस युग में देखा गया है कि जैसे बच्चों में परीक्षा का बोझ रहता है, तो जी परीक्षा के बोझ के कारण वो मतलब एक गलत कदम उठा लेते, डिप्रेशन में आ जाती है, जी मतलब मानसिक बीमारी, मतलब बहुत ज्यादा फैल रही है, हमारा कहने का मतलब ये। जी और इसके लिए मतलब कम किया जाए, इसके लिए क्या कदम उठाया जाए, मतलब बच्चों बिल्कुल पर सही बात परीक्षा का बोझ कम हो, जी माता पिता की क्या भूमिका रहेगी इसमें। जी ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित महिलाएं होती है, अशिक्षित पेरेंट्स होते हैं, वो उतना समझ नहीं पाते। जी शब्दों के साथ नमस्कार। जी महेंद्र पटेल साहब, आपका जो सवाल था बहुत ही बढ़िया था, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं आपके सवाल का जवाब अचल साहब किस तरह देते हैं। पटेल जी, आपने जो सवाल पूछा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल उठाया है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा फैला हुआ एक सवाल है, बच्चों में शिक्षा से संबंधित परेशानियां, बच्चों में शिक्षा का सबसे बढ़ता हुआ तनाव। और है, लेकिन तनाव शुरू कहाँ से हुआ है? हमारे घर से ही तो हुआ है, हमने ही तो घर से उसे जीतना सिखाया है, हमने केवल और केवल कंपटीशन करना सिखाया है। हम हमेशा क्यों ये देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी किसी दूसरे बच्चे की तरह से टॉप ही आए? हम क्यों अक्सर ये देखना चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर पास होगा तो उसके नंबर हमेशा 80 या 90 के ऊपर आने चाहिए? हम क्यों देखना चाहते हैं कि बच्चा हमेशा किसी टॉप पोजीशन पे आए? बिल्कुल, मतलब आप बात कर रहे हैं फैमिली सपोर्ट की, इस बारे में हम थोड़ी ही देर से चर्चा करेंगे। अचल जी फिलहाल जी हमारे साथ एक और दर्शक लाइन पे जुड़ चुके हैं, अखिलेश जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। जी अखिलेश जी हमसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। नमस्कार जी। नमस्कार जी और डॉक्टर साहब नमस्ते। तो मेरा सवाल है, जिंदगी में कई प्रकार के टेंशन आता है, तनाव आता है, तो
तो इन सब से दूर होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आपका सवाल भी महेंद्र जी की तरह ही है कि तनाव बहुत है, लेकिन भाई क्या कुछ करें ताकि हमें इस तनाव से छुटकारा मिल सके, और इसी सवाल का जवाब अचल जी दे रहे थे। आइए देखते हैं अब क्या कहते हैं। जी महेंद्र जी, जैसे अभी मैं शिक्षा को बात कर रहा था, तनाव आते हैं हमारे पास। आप मुझे एक चीज समझिए कि हमारे पास जब कोई भी काम आता है, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो काम को शुरू करने से पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं। कोई काम मुझे पूरा करना है तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। जब भी मेरे पास कोई तनाव आता है, क्यों ना मैं शांति से बैठ के ये लिख लूं कि मेरे पास ऐसे कौन कौन से कारण है जिस कारण से मेरे दिमाग के अंदर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे कौन कौन से कारण है, क्या कारण पैसों से संबंधित है, क्या कारण परिवार से संबंधित है, क्या कारण बाहर से संबंधित है, क्या कारण कोई कारण ऐसा है जो मेरे से अचानक कुछ आ गया है। पहले मैं उसकी लिस्ट बनाऊं। जब मैं लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद 10 प्रकार की ऐसी चीजें लिखिए, उन 10 चीजों में से ये सेलेक्ट कीजिए कि इसमें से सबसे ज्यादा तनाव आपको किस चीज से हो रहा है। आप पहले सेलेक्ट कीजिए। जब तक हमारे पास विषय सेलेक्ट नहीं होगा कि किस कारण से मुझे तनाव हो रहा है, हम तो हर चीजों में तनाव को देखते रहेंगे। विषय का जब सिलेक्शन होगा, विषय का चुनाव होगा, हम फिर देखेंगे कि तनाव इस कारण से। अब हम देखें ऐसे कौन कौन से विषय इसमें है जिसमें हम काम कर सकते हैं, और ऐसे कौन से विषय जिसमें हम काम नहीं कर सकते। अब जिसमें हम काम कर सकते हैं उसे हम पहले साइड में रखें, जिसमें नहीं कर सकते उसको टोटल छोड़ दें। हम कोई चीज नहीं बदल सकते हैं तो उस पर हमें काम करने से अच्छा उसे इग्नोर करना ज्यादा अच्छा। मतलब आपका कहना कुछ इस प्रकार है कि विषय का चयन हमें खुद ही करना होगा और जानना होगा आखिर हमें तनाव किन किन विषयों में और क्यों है, है ना, कारण हमें जानने होंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए देखते हैं क्या सवाल है। जी नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश बाराबंकी गाँव बसौली मेरा नमस्कार। मैंने ये देखा कि तनाव में लोग जिनको तनाव हो जाता है, जिनको चाय की आदत, चाय पीने लगते, कुछ लोगों को शराब की आदत हो तो शराब पीने लगते, और कुछ तनाव ऐसे तो जानलेवा भी हो सकते हैं, जो उनके अंतरात्मा से बाहर जब तनाव बढ़ जाता है तो जानलेवा भी साबित होते हैं। तो ऐसी दशा में जो जानलेवा साबित होते हैं उनको किस प्रकार से संभल करके रहना चाहिए, राजस्व को किस प्रकार से रहना चाहिए, जिससे ऐसी स्थिति न पैदा हो। बहुत ही बढ़िया सवाल है नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका भी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं कि तनाव के कारण सुसाइडल केसेस जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, हमारे पास इससे कैसे बचा जाए। शिवाली जी, हमारे पास दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है बच्चों का, दूसरा उदाहरण है ग्रस्त परिवार का। लेकिन हम प्रतिशत आज देखें तो बच्चों में सुसाइड का रूप सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कहा कोई चीज लेने से, कुछ खाने पीने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तनाव के समय आदमी के साथ एक चीज होती है, भूमिका उसके साथ शुरू हो जाती है। वो भूमिका है कि मैं अकेला हूँ, मैं हर चीज को अकेले ही फाइट करने वाला हूँ, जितनी सारी मुसीबत मेरे पास आई है केवल मेरे ऊपर आई है और मैं उसे अकेले ही फाइट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मेरे को विषय पता है, जब कोई परेशानी आई है तो उस परेशानी को साझा करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। और साझा उस व्यक्ति के साथ करना जरूरी है। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी परेशानियों किसके साथ साझा करूं जिससे मेरे को सही सही व्यक्ति का चयन खुद ही करना होता है। इसी के साथ एक और कॉलर और दर्शक जुड़ चुके हैं, विनोद जी नीमच से। जी विनोद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाटीदार, मैं विलेज बामनिया डिस्ट्रिक्ट नीमच स्टेट एमपी से बात कर रहा हूँ। मेरा सर से ये सवाल है कि मेरी एज 22 है और मैंने 11 तक पढ़ाई कर रखी है, और अभी पिछले 3 सालों से मेरी आंखों की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ब्लाइंड हूँ। मैं घर पे ही रहता हूँ पर मेरे पिताजी भी नहीं, और बहुत आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है। मेरे सपने ऐसे हैं कि मैं बहुत बड़े सपने में, पर बीच में कई टेंशन आती है कि मेरा आगे जाके क्या होगा, मेरी क्या स्थिति होगी, बहुत सारा तनाव आता है। तो इसको दूर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ पर कई बार नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी आपका सवाल बिल्कुल सही है। सपने होंगे तभी तो दूसरी सुबह होगी। दूसरी सुबह होती है, मतलब शब्द ही बोलता है दूसरी सुबह, एक नए दिन की शुरुआत। हमारे साथ देखिए कई लोगों के साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, जिस परिस्थिति के कारण या तो उसके अंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसके कोई ना कोई उपचार हो सकता है। अगर हम ये देखते हैं कि आपके फिजिकली कोई उपचार हो सकता है, उसको आपको मेडिकल कंसल्टेंसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आर्थिक रूप से अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप पहले गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में सोचें, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में पता करें। आजकल बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और हमारी सरकार हर जगह पे अगर आपके 33% पहले से अच्छे हैं तो आपको मुफ्त में एजुकेशन देना शुरू कर रही है। हमारी सरकार की तरफ से किताबें मुफ्त हैं। आपने सपना देखा है, उस सपने की तरफ बढ़ना आपको है।
आप जब बढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। आप स्कूल में संपर्क कीजिए, आप कॉलेज में संपर्क कीजिए, आप कोचिंग्स में संपर्क कीजिए, आप ऐसे एनजीओ में संपर्क कीजिए कि मेरे को मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक है। हमारे पीएम मोदी जी ने भी, सीएम साहब ने भी इतनी सारी योजना शुरू की है कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े रह नहीं सकता है। सही बात है विनोद जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब निश्चित ही मिल गया होगा। बिल्कुल सही बात कही अचल जी आपने, हमारी सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कई सारी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ अगर हम उठाएंगे तो वाकई सफलता की सीढ़ियों चूम सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस जरूरत है तो जागरूक होने की, जानने की कि आखिर वो योजनाएं कौन कौन सी है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो गया कार्यक्रम में एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा नहीं, विराम के बाद हम अपनी चर्चा को दोबारा जारी रखेंगे। काम के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं क्या कुछ सवाल है। ऋषभ जी सागर से हमारे साथ जुड़े हैं जी। ऋषभ जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी ऋषभ जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा धीमा कर लें ताकि आपकी आवाज और सवाल स्पष्ट रूप से हमें सुनाई दे सके। जी ऋषभ जी हम उम्मीद करते हैं आपका सवाल कुछ इस तरह का है कि एग्जाम टाइम में जब भी आप कुछ याद करते हैं, लर्न करते हैं तो आप भूल जाते हैं तनाव टेंशन स्ट्रेस के कारण, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, कुछ टिप्स आप जानना चाहते हैं चल जी से। ऋषभ जी हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं रखता है, आप एग्जाम के समय जब पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो ऋषभ जी पहले आप अपनी दिनचर्या सेट कीजिए, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे इतनी जल्दी बीतते हैं पता नहीं चलता, तो उस 24 घंटे में आप अपने सारे आवर्स को फिक्स कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट बनाइए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो आपका बनेगा वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह एक बार 7 बजे पढ़ लिया, फिर आपने 10 बजे पढ़ लिया, फिर आपने 3 बजे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। आपका जब टाइम टेबल एक मैनेज होगा तब आपके स्टडी में मन लगना शुरू होगा। हमारा जो दिमाग है, ये मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क उन ऑर्डरों को फॉलो करता है जो हम कंटिन्यू देना चाहते हैं। मस्तिष्क से हमें काम लेना है, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को मैं लेफ्ट लूंगा तो लेफ्ट मिलेगी, राइट लूंगा राइट मिलेगी, अगर मैं लाइट जलाऊंगा लाइट जलेगी, बंद करूंगा तो बंद हो जाएगी, वैसा ही हमारा दिमाग है। दिमाग में आप जैसे जैसे कमांड देते जाओगे, जैसे जैसे उससे काम करवाना चाहोगे वैसे वैसे काम होगा, लेकिन परफेक्ट टाइम के साथ साथ आप जिस टाइम पे स्टडी करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, लोग कहते हैं रात में पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जिस समय मन लगता है, आपको लगता है आप रात में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका कंसंट्रेशन रात में लगता है, आप रात में पढ़िए। अगर आपको लगता है मैं सुबह उठ जाता हूँ, फ्रेश फील करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ते नहीं बन रहा है, आपको बहुत आलसी लगती है, तो प्लीज मत दीजिए। 24 आवर्स में से जो आपका टाइम फिक्स है वो, उसके बाद में आप अपने विषयों की लिस्ट बनाइए, किस विषय को आपको ज्यादा समय देना है उस विषय पे आप उस हिसाब से समय दीजिए और प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो करना शुरू कीजिए। बिल्कुल अच्छा जी, जैसा कि भी आपने बताया टाइम मैनेजमेंट की आज स्थिति बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की हर व्यक्ति को, युवाओं को जरूरत है। हम अक्सर देखते हैं जब भी किसी बच्चे का, किसी का भी एग्जाम होता है तो एक रात पहले वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में ही सबसे ज्यादा तनाव की कंडीशंस, स्ट्रेस की कंडीशंस बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है समय को किस तरह से निर्धारित करना चाहिए? देखिए हम आज की अगर बात करते तो आज तो सबसे पहली बात ये हो गई कि हर बच्चे को चाहिए शॉर्टकट। बिल्कुल, बच्चा चाहता है मैं एक रात में पढ़ू मेरा परसेंटेज बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जादू की छड़ी किसी चीज की नहीं होती है, हर चीज में मेहनत करनी पड़ती है, और यही मेहनत के लिए घर से सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है घर। घर से जब बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तो घर वालों को उससे ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है कि बच्चे का टाइम टेबल क्या है, बच्चा किसी चीज को पढ़ता है तो किस हिसाब से पढ़ता है, पढ़ने के बाद में उसमें कितना करता है कितना नहीं करता। पहले सज्जन ने जो क्वेश्चन पूछा था कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको पता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपके छोटे से बच्चे को तो नहीं पता आप पढ़े लिखे नहीं हो। आप तो उनके लिए हीरो हैं, आप तो उनके लिए बेस्ट हैं,
आप वो जो भी पढ़े जैसा ही पढ़े आप उतने कॉन्फिडेंस से साथ में उसकी बुक लीजिए, उसको चेक कीजिए, आप उसके साथ बैठिए, आप उसकी पढ़ाई में साथ दीजिए उसका। आपको समझ में नहीं आता लेकिन आपके सामने वो बैठ के पढ़े। बिल्कुल सही बात है, पेरेंटल सपोर्ट की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को, युवाओं को। इसी के साथ हमारे दतिया से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं क्या मतलब बयानी कर लिया, मैंने पॉलिटिकल से पीजीडी से भी कर लिया है जी, और 4-5 साल से मैं नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ जी, और वो से नौकरी हासिल नहीं हो रही है, तो इससे मेरा तनाव रहता है सर में, तो कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता सर क्या करूँगा। अभी स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है आपको, आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। जी तो आप जानना चाहते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। जी आप अभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपने कहा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, आप जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज आपसे भाग जाती है। सबसे पहले जब नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, पहले हम खुद का एनालिसिस करके देखें। आज सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी योजना शुरू की है, हम पहले ये देखें आपने MA किया, आपने PGDCA किया, आपके विषय से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किस किस प्रकार की वैकेंसी आ रही है। हम देख सकते हैं अभी राज्य सरकार की तरफ बहुत सारी वैकेंसी पिछले अगले 1.5 सालों के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। हम पहले अपना चुनाव करके देखें, हम एग्जाम्स दे के देखें, मॉक टेस्ट दे के देखें, क्या हम उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। केवल फॉर्म इसलिए नहीं भरना है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम दूंगा, पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ऐसे नौकरी नहीं लगने वाली मेरे दोस्त। आपको जब आपने फॉर्म भरा है उससे पहले आपकी योजना होनी चाहिए, उससे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जिस चीज का फॉर्म भरने वाले हो उसके लिए आपने स्टडी की है या नहीं की है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो वो फल आपको मिलना निश्चित ही, आज नहीं तो 1-2 साल लेकिन आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन हमें पूरे तरीके से पॉजिटिव रूप से मेहनत करने की जरूरत होती है।